साथ में ओकाराम जी मैत्र साहब हैं जो उमरलई बधा रहे हैं, तो इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि लंपी रोग में उमरलई के अंदर कितने गायों का स्वर्गवास हो गया? कम से कम 150। इनका कहना है कि 150 गायों का स्वर्गवास हो गया, मतलब लंपी कौन कौन से इलाके में ज़्यादा फैला है? भैया मैं तो अटे तो ज़्यादा है, उमरलई में हैं ज़्यादा, रोज 15 एवरेज है 15। तो ओकाराम जी मन बताओ आप के अपार इन लंपियों लड़न वास्ते कोई गाँव रहा सरपंच है या गाँव रहा कोई ग्राम सेवक वगैरह की कोई 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 काम करे रोग बचाओ ना रो कोई दवाया वगैरह वितरण करनी? भाई सरपंच अटू तो कीधे कोई ना कोई बारू के कोटड़ी में कौन आया था ये बड़ी कीती अब अटू तो अपर कोई वास्ता नहीं भी। लेकिन आप जाने वे गए जाने सर्वास जी आप उन्होंने सही एकदम निस्तारण में जगह पहुंचाई तो आपने की पया वगैरह की मिले? कोई नहीं मिले, कोई नहीं मिले सरपंच वे नहीं मैं पया देना है मारता घर मुझे ही घर पया मतलब आपने मुझे घर घूम रहा पया ना पैरों उमरली गांव सरपंच साहब से निवेदन है कि इन इनका जितने पेमेंट बने उनको उनको पैसे दिए जाए। हाँ सर बताइए। मंदा 1 रुपये को दे वापसी तो आपको जल्द से जल्द पैसे दिलवाए जाएंगे। अब सर उमरली सरपंच साहब से मिलेंगे, मेघवाल साहब हैं उनसे मिलेंगे, उनसे भी जानेंगे क्योंकि लंपी ऐसी बीमारी है उनको कोई लोग छूना भी नहीं चाहता। हाँ मैं मानता हूँ परेशानी भी नहीं नौकनी पड़े बाप जी अड़ी गंदी उड़ी गई पूरी 3-3 4-4 दिन हालत खराब है अन्ना पूरी गल। तो ग्राम पंचायत से निवेदन करूंगा कि इन्हें जल्द से जल्द पैसे दिया जाए, इनके लिए कुछ किया जाए क्योंकि यही हैं जो आप गांव के अपशिष्ट चीज़ों को निस्तारण कर सकते हैं ना। थैंक यू। हाँ थैंक यू सर।